हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे एनाटॉमी विवाबॉस के ऊपर। तो देखिए, आज का हमारा विवाबॉस का टॉपिक है अपर लिम नर्व्स, कि बेसिकली अपर लिम नर्व्स में कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि हमसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे लोअर लिम में आप 5 नर्व पढ़ते हैं, उसी तरह से आप अपर लिम में भी 5 नर्व पढ़ते हैं। ओके, मतलब कि लोअर लिम में 5 नर्व, अपर लिम में 5 नर्व। तो अपर लिम के 5 नर्व कौन सी होगी, पहले वहाँ सारी नर्व्स यहाँ लिखते हैं, देन आएंगे हम लोअर लिम पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, देन सेकंड होगी हमारे पास रेडियल नर्व, देन एक होती है हमारे पास अल्नल नर्व, और एक होगी हमारे पास एक्सिलरी नर्व, देन एक होती है हमारे पास मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलो क्यूटेनियस, ओके। तो बेसिकली ये 5 नर्व, मीडियन नर्व 1 2 3 4 5, ये 5 नर्व आप कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं अपर लिम में। अब लोअर लिम में 5 नर्व कौन से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप सियाटिक नर्व, एक पढ़ते हैं सियाटिक नर्व एंड सियाटिक एट, 2 पार्ट्स, सियाटिक नर्व, कॉमन पेरोनियल एंड टीबियल नर्व, एक पढ़ते हैं आप एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की फीमोरल नर्व, एक पढ़ते हैं आप मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की ऑब्टुरेटर नर्व। ओके, तो शियाटिक, कॉमन पेरोनियल, टीबियल, फीमोरल एंड ऑब्टुरेटर नर्व, तो ये 5 नर्व ही आप पढ़ते हैं लोअर लिम में। अब देखिए, इन 5 नर्व्स की ही हम थोड़ी मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि हमसे विवा में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात मीडियन नर्व, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं हम लेबर्स नर्व, LABOU, मतलब लेबरर्स नर्व। अब इसे लेबरर्स नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए, आपने अगर मीडियन नर्व की नर्व सप्लाई पढ़ी हो, तो मीडियन नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है, वो मैक्सिमम मसल्स कहाँ होती है, फोर आर्म में, मतलब जो फोर आर्म की लॉन्ग मसल्स होती है उनमें मैक्सिमम सप्लाई होती है हमारे मीडियन नर्व के थ्रू, या फिर बोल दीजिए मीडियन नर्व सप्लाई करती है लॉन्ग मसल्स को, लंबी मसल्स को सप्लाई करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं लेबरर्स नर्व। या फिर मीडियन नर्व का दूसरा नाम है, दिस इज़ द आई ऑफ हैंड, इसे क्या बोलते हैं, आई ऑफ हैंड। अब आई ऑफ हैंड इसका मतलब क्या है, मतलब आपको पता होगा कि बेसिकली मीडियन नर्व क्या करती है, हमारी फिंगर्स, ये फिंगर्स का टिप होता है ना, ये वेंट्रल साइड, देखिए नेल्स डोर्सल साइड होते हैं, ये वेंट्रल साइड होता है, तो यहाँ फिंगर्स के जो टिप्स होते हैं, यहाँ पे हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती हैं। तो अब इससे आई का मीनिंग क्या है, अब देखिए आई बोलने का मीनिंग ये है कि बेसिकली आपके पास, अज्यूम कीजिए ये कोई कपड़ा है, ये कोई क्लोथ है, और आपको इसकी थिकनेस देखनी है कि बेसिकली कपड़ा कितना मोटा है। तो आप कैसे चेक करते हो, ये कपड़ा लिया और अपने फिंगर्स के बीच ऐसे लिया, मतलब फिंगर के फ्रंट वाले पोर्शन के बीच कपड़ा रख के आप ऐसे चेक करते हो, मतलब कि आपने एज है इन टिप्स से इस कपड़े की थिकनेस चेंज की, मतलब देखी है कि कितना मोटा है। ओके, तो ये सेंसेशन कि कपड़ा कितना मोटा है, बेसिकली यहाँ की स्किन के थ्रू जो टिप है यहाँ पे, यहाँ की स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू हमें पता लगा है, और बेसिकली इसको सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व, इसीलिए हम मीडियन नर्व को बोलते हैं दिस इज द आई ऑफ हैंड। तो आई ऑफ हैंड हो गया। उसके अलावा देखिए, आपको पता होगा मीडियन नर्व की होती है 2 ब्रांचेज, मतलब आपने मीडियन नर्व सेपरेट पढ़ी हो, साइड में आई बटन पे जाइए, वहाँ पे है आल अपर लिम नर्व्स, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे 5 नर्व मिल जाएंगे। तो आपको पता होगा मीडियन नर्व आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होगी इसकी सुपरफिशियल ब्रांच, ओके, तो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, एक होती है इसकी डीप ब्रांच, ओके। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि बेसिकली मीडियन नर्व की डीप ब्रांच का एक होल नाम होता है, उसे बोलते हैं एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, ओके, क्या बोलते हैं, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, ओके। तो मीडियन नर्व की डीप ब्रांच बोल दीजिए या बोल दीजिए AIN, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, दोनों एक ही बात है, ओके, क्योंकि
बंदे क्या कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एक होती है एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, एक होती है, तो बेसिकली एंटीरियर है तो एक पोस्टीरियर भी होनी चाहिए, तो जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है दिस इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, रेडियल नर्व की डीप ब्रांच को बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस। तो ये हो गया। अब देखिए बेसिकली एंटीरियर इंट्रोसियस है तो बेसिकली किस साइड है, वोलर साइड है। देखिए इसे वेंट्रल बोल दीजिए या वोलर बोल दीजिए, इसे डोर्सल बोल दीजिए या फिर इसे क्या बोलते हैं, सॉरी इसे डोर्सल बोलते हैं। ओके, दिस इज डोर्सल, इसे बोल दीजिए वोलर, एंटीरियर या पाल्मर, तीनों एक ही नाम है। इसे पाल्मर सरफेस बोलते हैं या फिर बोल दीजिए इसे वोलर सरफेस, VOLAR वोलर सरफेस, या फिर बोल दीजिए वेंट्रल। तो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व बोल दीजिए या बोल दीजिए वोलर इंट्रोसियस नर्व, वोलर बोल दीजिए, प्लांटर बोल दीजिए, सॉरी पाल्म है ना, तो वोलर, पाल्मर या फिर वेंट्रल। तो वोलर इंट्रोसियस नर्व आयन यहां लिखते हैं, तो वोलर इंट्रोसियस नर्व हो गए। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया मीडियन नर्व पे। देन रेडियल नर्व, इसकी भी हमें टू ब्रांचेस पढ़नी होती है, एक होती है इसकी सुपरफिशियल ब्रांच एंड एक होती है इसकी डीप ब्रांच। ओके, और हमने बोला था कि जैसे इसको एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व बोला, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व बोल दीजिए AIN या डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, तो इसकी डीप ब्रांच को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, PIN। देखिए पोस्टीरियर इंट्रोसियस बोल दीजिए या बोल दीजिए डोर्सल इंट्रोसियस, एक ही बात है बेसिकली। देखिए ना, ये वोलर, पाल्मर या फिर वेंट्रल, तीनों एक ही बात है, इसे क्या बोलेंगे, डोर्सल। तो डोर्सल जैसे, इसलिए वोलर इंट्रोसियस बोला, इसे क्या बोलेंगे, डोर्सल इंट्रोसियस। तो देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटेरो मतलब डोर्सल इंट्रोसियस नर्व। ओके, तो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। बच्चे क्या इस पर कन्फ्यूजन होते हैं, एग्जामिनर क्या है, वाइवा होगा तो बंदे सर पूछेंगे पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ, तो बंदे कन्फ्यूजन, वो बोलते हैं इसकी अल्नर की होती है, एक्जिलरी की होती है, मीडियन की होती है। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, पोस्टीरियर दिस इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। देन आते हैं अल्नर नर्व पे, तो देखिए अल्नर नर्व के लिए हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये कि इसे क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व, अब म्यूजिशियन नर्व क्यों बोलते हैं, देखिए जैसे इसे लेबरर्स नर्व बोला या फिर इसी का दूसरा नाम हैंड, आई ऑफ हैंड है, इसे म्यूजिशियन नर्व क्यों बोला, क्योंकि देखिए अल्नर नर्व दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। देखिए हमारे फिंगर्स के फाइन मूवमेंट, जितना बहुत फाइन मूवमेंट्स, क्योंकि आपको बताओ अल्नर नर्व बेसिकली मैक्सिमम हमारे हैंड में सप्लाई करती है। ओके, फोर आर में तो एक या दो मसल्स को सप्लाई करती है, लेकिन अल्नर नर्व का मैक्सिमम पोर्शन हमारे हैंड को सप्लाई करता है। तो बेसिकली अल्नर नर्व दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मूवमेंट। अब फाइन मूवमेंट कौन करता है, हमारा म्यूजिशियन फिंगर्स का फाइन मूवमेंट करके ही तो मैजिक दिखाता है। ओके, तो बेसिकली इसीलिए अल्नर नर्व को बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व, क्योंकि बिकॉज अल्नर नर्व दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। देन एक्जिलरी नर्व, इसके लिए याद तो आपको पता ही होगा, इसके लिए कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। बेसिकली एक्जिलरी नर्व इसको, ये सप्लाई करती है हमारी टू मसल्स को। तो टू मसल्स कौन सी होगी, एक होगी हमारे पास डेल्टोइड, ओके, और एक होती है कौन सी, टेरिस माइनर। देखिए ना, आपको पता हो टेरिस माइनर कहाँ अटैच होती है, टेरिस माइनर अटैच होती है हमारे स्केपुला के लेटरल बॉर्डर से। ओके, ऊपर के साइड होती है टेरिस माइनर, देन नीचे क्या होती है, टेरिस मेजर। ओके, तो दीज टू मसल्स डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर एक्जिलरी नर्व के थ्रू सप्लाई होती है। देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसको सप्लाई करती है, सॉरी ये नर्व सप्लाई करती है थ्री मसल्स को। थ्री मसल्स कौन सी होगी, BBC, BBC मीनिंग, एक होती है हमारे पास बी मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई, एक नेक्स्ट बी से मतलब है ब्रेकियलिस, एंड नेक्स्ट सी से मतलब है कोरेको ब्रेकियलिस। ओके, तो दीज थ्री मसल्स BBC आर सप्लाई बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, तो बेसिकली हमने अपर लिम की फाइव नर्व पढ़ ली कि किसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए एनाटमी हमारे विवा बोस के लिए। तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। काम की बात ये थी कि
एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, पोस्टरियर इंट्रोशियस नर्व दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, अल्नर नर्व को क्या बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व, ये एक्जिलरी टू मसल्स को सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनस ये थ्री मसल्स को सप्लाई करती है ओके। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा विवा वोस।